नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का नंबर वन हिंदी न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया और मैं हूं आपके साथ अनुपमा झा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या में बन रहे भव्य श्री राम मंदिर को लेकर मिल रही धमकी और असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर रामलला के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। सत्येंद्र दास ने कहा कि अब देश में मुगलों का शासन नहीं है, जो भी राम मंदिर को क्षति पहुंचाने का काम करेगा या फिर राम के विरोध में बोलेगा वो सिर्फ सीधे सीधे कब्रिस्तान में जाएगा। तो सत्येंद्र दास की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया है असदुद्दीन ओवैसी के विवादित बयान के ऊपर। अब जवाब उन्होंने दिया है, उन्होंने ये कहा है कि देश में अब जो भी राम के विरोध में बोलेगा वो सिर्फ कब्रिस्तान जाएगा। ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त की। सत्येंद्र दास ये कह रहे हैं कि देश में अब मुगलों का शासन नहीं है, जो भी राम मंदिर को क्षति पहुंचाने का काम करेगा या विरोध करेगा वो कब्रिस्तान जाएगा। इतिहास को देखें, पहले उन्होंने मंदिर को तोड़ के बनाया था, आप उनके शासन था मुगलों का, अब मुगलों का शासन नहीं है और कि अब इसमें किसी प्रकार की छत पहुंचा सकते हैं, जो छत पहुंचाया जाएगा वो सीधा जाएगा कब्रिस्तान में। इसलिए ऐसा सोचना भी गलत है और जो भड़का रहे हैं जवानों को, भड़काते रहे हैं जितने आए हैं यहाँ छत पहुँचाने के लिए, जब विवादित रामलला त्रिपाल में थे तब भी यहाँ आए थे, अब आए और सब यहाँ मारे गए और उनका कब्रिस्तान यहाँ बन गया। ऐसा जो भी इस विरोध में बोलेगा उसका केवल कब्रिस्तान बनेगा और कुछ नहीं बनेगा, रामलला का एक इंच भी कोई भी क्षति नहीं हो सकती। अब आपको वो बयान सुनाते हैं जिस पर इतना विवाद हो रहा है। असदुद्दीन ओवैसी ने यह बयान दिया है, उन्होंने हैदराबाद में मुसलमानों को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि मस्जिदों की हिफाजत करने की जरूरत है। उन्होंने राम मंदिर का जिक्र नहीं किया लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि देखो हमारी मस्जिद खोदी तो वहां आज क्या हो रहा है। सुनिए कि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से क्या कुछ कहा गया है पूरे मामले पर। हमारी मस्जिद हमने खोदी और वहां पर क्या किया जा रहा है आप देख रहे हैं। नौजवानों, क्या तुम्हारे दिलों में, हमारे दिलों में तकलीफ नहीं होती कि जिस जगह पर हमने 500 साल हय्याल सलाह और हय्याल फलाह की सदाएं दी, जहां पर हमने बैठकर कुरान करीम का जिक्र किया, जहां पर हमने बैठकर सलात और सलाम के नजराने पेश किए, आज वो जगह हमारे हाथ में नहीं है। और वही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान को लेकर कांग्रेस और शिवसेना उद्धव गुट अब दोनों ने एक दूसरे पर हमला बोला है। कांग्रेस के नेता उदित राज ने ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता दिया और ये कहा कि ऐसे लोगों को सीरियस नहीं लेना चाहिए। दूसरी तरफ संजय राउत ने भी ये कहा कि राजनीति के लिए मुस्लिमों के अंदर डर पैदा करने की कोशिश की जा रही है। अंदरूनी तो बीजेपी साथ मिला रखा है और ओपनली ऊपरी तौर पर कम्युनिटी को कुछ से कुछ कह रहे हो आप, तो इन लोगों को सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए। ओवैसी का काम है बीजेपी को स्थापित करना और अंदरूनी हाथ मिलाना और जहाँ भी सेकुलर पार्टियां हैं उसको जाके नुकसान करना। मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ होगा, मुझे नहीं लगता है। ये जो उनके मन में जो डर है, लोगों के मन में जो डर पैदा हो रहा है या किया जा रहा है वो एक राजनीति है। ज़रूर अयोध्या में राम मंदिर बना है लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि और किसी धार्मिक स्थान के ऊपर कोई जाकर कब्जा कर। और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती चली जा रही है, राम मंदिर पर सियासत और ज्यादा तेज होती चली जा रही है। और तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हकीम ने अब इस पर विवादास्पद बयान दिया है। राम मंदिर पर बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि किसी दिन देखेंगे कि मोदी ही राम है और राम का एक नया अवतार भी अब सामने आएगा। तो ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, लगातार सियासत जारी है। तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हकीम ने विवादास्पद बयान देते हुए कह दिया है कि अब हम किसी दिन देखेंगे कि मोदी ही राम है, और ये कहते हुए एक विवादास्पद टिप्पणी उन्होंने और की और कहा कि राम का एक नया अवतार सामने आया है। इस तरह की विवादास्पद टिप्पणी की गई है टीएमसी नेता की ओर से। ये मोदी ही राम आरेकटा नतून अवतार एलेन, सुतरां এইগুলো চলতে থাকবে। যে মোদি নাম আরেকটা নতুন অবতার এলেন, সুতরাং এইগুলো চলতে থাকবে। तो राम मंदिर पर लगातार सियासत जारी और तृणमूल कांग्रेस के नेता फिरहाद हकीम ने विवादास्पद बयान दे दिया।
राम मंदिर पर बोलते हुए उन्होंने ये कहा कि किसी दिन देखेंगे कि मोदी ही राम है और राम ही बीजेपी है। बयान हमने आपको अभी सुनाया भी, और इस बीजेपी ने अब इसी के ऊपर हमला बोला है। बीजेपी नेता एक तरफ ये दावा कर रहे हैं कि जिसकी सरकार में मंदिर का निर्माण हो रहा है वो श्रेय तो लेंगे ही। इतना ही नहीं, बीजेपी ने यह भी कहा कि वो ये भी कह रहे हैं कि फरहाद हकीम ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। आज इनिशिएटिव तो लिया है भाजपा की सरकार, आज इनिशिएटिव लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी। आज इतना सालों में इतना सरकार तो आए थे, आप लोग क्यों नहीं किए हैं? आप लोग क्यों कश्मीर का अब्रोगेशन क्यों नहीं किए हैं? आप लोग तीन तलाक का ये क्यों नहीं किए? आप लोग अयोध्या मंदिर क्यों नहीं बनाए? सब कुछ आप लोग के पास भी था। आप लोग तो कांग्रेस का पेट से जन्म लिए हैं, तो कांग्रेस का होके बात आप लोग करेंगे ये मालूम है। लेकिन आज श्रेय माननीय प्रधानमंत्री और भारतीय जनता पार्टी ले रहे क्योंकि उनका नेतृत्व में आज हजारों साल में जो काम नहीं हुआ है ये वो अभी हुआ है। या तो उसका मानसिक संतुलन खो गया है, नहीं तो उनके बाकी साथी जहां है अर्थात जेल में वो भी कतार में है, तो वो जाने का डर से ऐसा बोल रहे हैं। वैसे आप लोगों को पता है कि इसका पाकिस्तान के ऊपर प्यार कितना है, कलकत्ता में मिनी पाकिस्तान बनाना इनका सपना है। और ये जानते हैं मोदी जी जब तक भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे, अमित शाह जी जब तक इस देश का गृह मंत्री रहेंगे, ये सपना कभी सच नहीं होगा। तो हकीम फरहाद के इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारे में भूचाल आ गया है। लेकिन हकीम के इस बयान पर न्यूज 18 इंडिया ने जब उनसे इस पर बात की तो उन्होंने अपने बयान को दोहराया तो नहीं, लेकिन बीजेपी के राम मंदिर पर श्रेय लेने पर हमला जरूर बोल दिया। अयोध्या का मंदिर तो मोदी जी अपने हाथ से नहीं बनाए ना, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया और इसके बाद वहाँ का जो ऑर्गेनाइजेशन वो बनाए। राम जी सबका है, सबका है। जो बीजेपी नहीं करते हैं वो भी राम जी का बहुत पूजा करते हैं, तो आप राम जी का पेटेंट क्यों ले रहे हैं? राम मंदिर का पेटेंट आप क्यों ले रहे हैं? कविता, आप ये कह रहे थे कि राम का खुद को मोदी जो है वो अवतार बता देंगे। नहीं नहीं, ये हो सकता है, वो जैसे कर रहे हैं कुछ भी हो सकता है, मगर ये ठीक नहीं है। हम सब धर्म पे आस्था रखते हैं भारतवासी। पार्टी को अगर न्योता आता है क्या जाना चाहेंगे? हम मालूम नहीं, हमको ये बात, हम तो पार्टी के इस विषय में निर्णय नहीं हुआ और हम इसका ये पोजीशन में नहीं है। और वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के अयोध्या में राम मंदिर के अभिषेक पर आमंत्रित नहीं किए जाने के बयान पर कांग्रेस नेता एच अंजनेय ने अब बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि सिद्धरमैया खुद तो राम है, तो फिर वो अयोध्या में राम की पूजा करने क्यों जाएंगे?